विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय बुधवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा गोरखनाथ का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेका। इसके बाद महामंत्री चंपत राय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण को लेकर बैठक किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात कर प्रेस वार्ता किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की ओर से जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने अपनी स्वेच्छा से निधि समर्पण अभियान के तहत श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का महादान किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि सारे भारतवर्ष में भगवान के भक्त और धरती को माता कहने वाले समाज के लोग अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में अपनी स्वेच्छा से खुले मन से समर्पण कर रहे हैं। हमने समाज का आह्वान किया था, वह मकर संक्रांति से रविदास जयंती 27 फरवरी तक 42 दिन की अवधि में भगवान के कार्यों में अपनी श्रद्धाओं का समर्पण करें। देश बहुत उदारतापूर्वक इस अनुरोध में भागीदारी कर रहा है। ऐसा लगता है भारतवर्ष के 5 लाख ग्रामों से सभी शहरों के सभी वार्ड मोहल्ला देश की जनता इसमें योगदान कर रही है। एक अनुमान यह भी आ रहा है कि शायद हिंदुस्तान की आधी आबादी इसमें अपनी भागीदारी सम्मिलित करेगी। उन्होंने कहा कि इसी के लिए गोरखपुर के कार्यकर्ता उनकी शिक्षा से मुझे गोरखपुर में आने का अवसर मिला। यद्यपि महंत रघुनाथ जी के पहले अध्यक्ष थे, मुख्य थे उनके पूर्ववर्ती दिग्विजयनाथ सिंह जी, इस आंदोलन से 1940 मई से जुड़े थे। महंत आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से 1984 से लेकर उनके अंतिम काल तक यह आंदोलन चरम पर चल पहुंचा, तो इच्छा हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से महाराज से भी मिल लूं। पहुंचा तो वहां स्थानीय समाज के लोग भी पहुंच गए, 40 व 50 लोग आ गए। मैंने राम जन्मभूमि का इतिहास सबके सामने रखा है, सभी को क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी, देश में क्या हो रहा है यह भी बताया, और उसी का परिणाम हुआ कि खुले मन से मंदिर निर्माण में अपना संसाधन उपलब्ध करा रहा है। इतना ही आज मेरा आने का मकसद रहा है, उसके बाद मुझे दिल्ली प्रस्थान करना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की नींव की खुदाई पर उन्होंने कहा कि हमने इस अभियान की योजनाएं मार्च से प्रारंभ की हैं, देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ अनेक चक्रों में चर्चाएं हुई हैं। कई महीने पहले तय किया गया कि मकर संक्रांति ही उचित समय है। कोरोना एक बड़ा संकट रहा है, इसलिए जब सोचा गया तो जनवरी का सोचा गया। उन्होंने कहा कि नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है, बाधाएं कभी नहीं आई, लेकिन इंजीनियर और वैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षण करते हैं। अब IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, NIT रुड़की, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, LNT टाटा सब एक मत हो गए हैं। 400 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 12 मीटर गहराई में मलबा भरा हुआ है। जैसे जैसे खुदाई का काम चलता रहेगा मलबा निकलता रहेगा। इसे साफ करने के साथ नींव की रचना का काम प्रारंभ हो गया है। 3 साल यानी 36 से 39 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा, इसका किट ना हो उसको खाली करने का समय निकाल दो, भरने का समय निकाल दो।
सारे भारतवर्ष में भगवान के भक्त, इस धरती को माता कहने वाला समाज, जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए स्वेच्छा से, खुले मन से समर्पण कर रहा है। हमने समाज का आह्वान किया था कि वह मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक, इस 42 दिन की अवधि में भगवान के कार्य के लिए अपनी श्रद्धाओं का समर्पण करें। देश बहुत उदारतापूर्वक इस अनुरोध में भागीदारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के 5 लाख ग्रामों से, शहरों के सभी वार्ड मोहल्लों से, देश की जनता इसमें योगदान कर रही है। एक अनुमान ये भी आ रहा है कि शायद हिंदुस्तान की आधी आबादी इसमें अपनी भागीदारी सम्मिलित करेगी। इसी निमित्त गोरखपुर के कार्यकर्ताओं की इच्छा से मुझे गोरखपुर में आने का अवसर मिला। यद्यपि महंत अवैद्यनाथ जी इस आंदोलन के पहले अध्यक्ष थे, मुखिया थे, उनके पूर्ववर्ती दिग्विजयनाथ सिंह जी भी इस आंदोलन से 1949-50 में जुड़े रहे। महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के कार्यकाल में 1984 से लेकर उनके जीवन के अंतिम काल तक यह आंदोलन चरम पर पहुंचा। उनके प्रति श्रद्धा नमन करने का मुझे आज अवसर मिला। कार्यकर्ताओं की इच्छा और अवैद्यनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा समर्पण करने का अवसर, इसलिए मैं गोरखपुर आया हूँ। तो मेरी इच्छा हुई मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं सूचित कर दूँ, वो भी आ गए। आए तो मेरे स्थानीय समाज भी आ गया, 40-50 लोग आ गए। मैंने राम जन्मभूमि का इतिहास सबके सामने रखा है, समाज को क्या करना चाहिए ये जानकारी दी, देश में क्या हो रहा है ये भी बताया, और उसी का परिणाम हुआ कि समाज बहुत खुले मन से मंदिर निर्माण में अपने संसाधन उपलब्ध करा रहा है। इतना ही मेरा आज आने का हेतु है। थोड़ी देर में ही मुझे फिर दिल्ली प्रस्थान करना है। हमने इस अभियान की योजनाएं मार्च से प्रारंभ की, देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ अनेक राउंड्स में, अनेक चक्रों में चर्चाएं हुई हैं। कई महीने पहले तय किया मकर संक्रांति ही एक उचित काल है। कोरोना एक बहुत बड़ा संकट था, इसलिए जब सोचा गया तब जनवरी का सोचा गया। नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया, बाधाएं कभी नहीं आई। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इंजीनियर वैज्ञानिक होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रयोगों के परीक्षण देखते हैं, डेटाज अध्ययन करते हैं। वो डेटाज उनके अनुकूल नहीं आए, अर्थात जमीन का स्वरूप पाइलिंग के अनुकूल नहीं है। अब IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई
आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी सूरत, सीबीआरआई रुड़की और अंत में एनजीआरआई हैदराबाद, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, लार्सन टुब्रो और टाटा, ये सब वैज्ञानिक इंजीनियर एकमत हो गए कि संपूर्ण क्षेत्र में गहराई तक मलबा भरा पड़ा है, इस मलबे को निकालो। तो एक प्रकार से मलबा निकालना यही नींव के निर्माण की तैयारी है और ये मकर संक्रांति से प्रारंभ हो गया। जब तक मलबा मिलता जाएगा सारा मलबा हटाते जाएंगे। ऐसा लगता है कि 400 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 12 मीटर तक गहरा ये इलाका मलबे से अटा पड़ा है। इसको साफ करने का काम प्रारंभ हो गया, अर्थात नींव की रचना का काम प्रारंभ हो गया। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, दो चार महीने का कोई खास बात नहीं रहती है, 3 साल से 36 से 39 महीने में काम पूरा हो जाएगा।